हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज का ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पनीर टिक्का मसाला की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, और इसके साथ में कुकर में घी कैसे निकालें मैं शेयर करूंगी अपने डेली ब्लॉग्स के साथ में, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखें। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जीरा, और ये हैं वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट मैंने ग्रेट किया है, अनियन मैंने चॉप किया है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर और ग्रीन चिली, क्योंकि इस समय मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हुआ है, इस वजह से मैं जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ खाने में। वैसे तो बेसन चिले में जिंजर नहीं पड़ता है, बट मैंने इसमें डाला हुआ है क्योंकि गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सारी वेजिटेबल्स हम ऐड कर देंगे बेसन में, और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जैसे चिले की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल वैसा ही रखना है, और मैंने इसमें कैरेट थोड़ी ज़्यादा डाली हुई है क्योंकि वेजिटेबल्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। तो अभी सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि बैटर मुझे हल्का सा थिक लग रहा था। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। साइड बाय साइड मैंने पैन भी रख दिया है गर्म करने के लिए, तो पैन अभी गर्म हो चुका है और अभी हम बना लेंगे बेसन के चिले। और इसके साथ ही मैं चाय भी बना रही हूँ, तो चाय मैं बना रही हूँ मसाला टी। उसमें मैंने ढेर सारे मसाले वगैरह जो भी होते हैं वो मैंने डाले हैं, जो खड़े मसाले होते हैं जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, अदरक, और उसके साथ मैंने उसमें डाली है तुलसी की पत्ती। और ऐसी चाय पीने से गले में काफ़ी रिलीफ मिलता है, और कोल्ड में मैं ऐसी चाय पीती हूँ या फिर इन सारी चीज़ों का मैं काढ़ा बना के भी पीती हूँ। तो इस टाइप की मसाला टी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज़ जब भी कफ एंड कोल्ड होता है या फिर विंटर्स में मैं इस तरीके की टी पीना मैं पसंद करती हूँ। तो फिलहाल अभी चिला मेरा बन चुका है और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और अभी इंजॉय करेंगे अपना ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है अपने घर की क्लीनिंग। तो ऐसा कुछ डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ही बेसिक क्लीनिंग कर रही हूँ, जो भी डस्टिंग वगैरह है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो ये है मेरे लिविंग रूम का सेंटर टेबल, बहुत ही छोटा सा है शीशम का ये, तो इसको भी अभी मैंने पूरा डस्ट मैंने इससे हटा दी है, जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई थी। तो लिविंग रूम अभी मेरा क्लीन हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ जहाँ पर मेरी शू रैक रखी हुई है। तो इसके ऊपर रोज़ थोड़ी बहुत डस्ट यहाँ पर आ जाती है हवा से, या फिर हो सकता है जब झाड़ू वगैरह लगाते हों तो उससे उड़कर चिपक जाती होगी, और क्योंकि ये ब्लैक है तो इसके ऊपर डस्ट बहुत ही ज़्यादा पता चलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ का रोज़ मैं इसकी डस्टिंग कर दूँ ताकि इस पर धूल ना दिखे बिल्कुल भी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और अभी डस्टिंग करेंगे यहाँ की। तो ये जो साइड टेबल है इसको मैं रोज़ का रोज़ मैं डस्ट यहाँ से निकाल देती हूँ, क्योंकि रात को सोते समय यहाँ पर फ़ोन वगैरह मैं रखती हूँ तो वो फिर फ़ोन में डस्ट वगैरह चिपक जाती है। और ये जो मेरे बेड का हेडर है इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट रोज़ आ जाती है, सिर्फ हेडर में ही रहती है, बाकी का जब भी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ उस टाइम पर तो मैं बेड वगैरह अपना पूरा झाड़ देती हूँ, और जितने भी स्विच सॉकेट हैं इनके ऊपर भी मैं ऑल्टरनेट डेज पर या 2 से 3 दिन में मैं इनकी भी जो डस्ट है वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो अभी डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है, मेरे घर के जो सारे काम थे क्लीनिंग के वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं किचन में और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये अमेजिंग सी रेसिपी जो कि है पनीर टिक्का मसाला की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, साथ में मैंने इसमें डाला है गर्म करके सरसों का तेल, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक अच्छा सा कलर देने के लिए टिक्के को मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जैसे ही हम गरम तेल में कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं इसका कलर काफ़ी निखर के आ जाता है। ये है कुटी हुई काली मिर्च, साथ में है ये भुने हुए जीरे का पाउडर, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है एक छोटी सी कटोरी मेरे पास, इसको भर के मैंने डाला है दही, ये होगा करीबन 3 टेबल स्पून के करीब। तो इनको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और देखिए टिक्के के मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ब्लैक सॉल्ट, और ये है 1 नींबू का रस, तो इसको भी हम कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स।
शिमला मिर्च और प्याज को मैंने पहले से ही क्यूब्स में कट कर लिया था, तो इनको भी हम टिक्के के मसाले में कर देंगे अच्छे से मिक्स। सबसे पहले वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे, और ये है पनीर, तो पनीर को भी मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर लिया था, आप जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो पनीर भी हम इसमें डाल देंगे, और पनीर को हम हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो पनीर होता है वो सॉफ्ट होता है, अगर आप स्पून से करेंगे तो हो सकता है कि वो टूट भी जाए, इसलिए हल्के हाथों से बिल्कुल आपको करना है। अब इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। साइड बाय साइड तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल, साथ में डालेंगे ये काली इलायची जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा कुक होने पर हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, इसको भी कर लेना है अच्छे से मिक्स, और हल्का सा हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक से दो मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम कुक करेंगे, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, इनको भी करना है अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और इन सारी चीजों को मिक्स करके टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। अभी हम इसे साइड में निकाल देंगे, ठंडा होके हम इसकी बनाएंगे प्यूरी, और जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर जो टिक्का था वो भी मेरा मैरिनेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं पनीर को यहाँ पर मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास में जो टिक्के वाली सीख आती है तो उसमें भी लगा के आप गैस पर डायरेक्टली आप उसे रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से कढ़ाई या फिर पैन में ही मैं इस तरीके से करती हूँ इसको। तो पहले पनीर मैंने करके साइड में निकाल लिए थे, और अभी जो प्याज है और जो शिमला मिर्च है उसको भी हम अच्छे से इसमें जो भी रोस्टिंग है वो हम इसकी कर लेते हैं ताकि टिक्के का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो अभी हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ये है वो पेस्ट जो मैंने अभी पेस्ट बनाया था, इसको भी हम इसमें कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अभी देखिए ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है, यानी कि जो पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी वाला नहीं है, ये नॉर्मल जो लाल मिर्च हम खाते हैं ये वो वाला पाउडर है। और ये है पास में थोड़ा सा टिक्का मसाला जो था वो बच गया है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीजों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अभी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और सॉल्ट मुझे हल्का सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया है। और ये है वो टिक्का, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सुनहरे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए थे, ये रोस्ट हो गए थे। तो अभी इनको भी हम कर देंगे इसमें ग्रेवी में मिक्स। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी मैंने ऐड किया है। तो मैं बना रही हूँ सेमी ग्रेवी, आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। 7 से 8 मिनट हम इसे कुक करेंगे, और ये पनीर टिक्का मसाला हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से कुक हो गई है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, ये घर वाली मलाई है, अगर आपके पास में क्रीम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, और कलर देखिए कैसे चेंज हो गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, जैसे हम होटल में हम ऑर्डर करते हैं बिल्कुल वैसा ही टेक्स्चर लग रहा है। ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तो इस रेसिपी को आप इस तरीके से बस ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। बाहर खाने से अच्छा है कि हम अपने घर पे इस तरीके की चीज़ें बना के हम खाएं, जो कि ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती हैं। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो अभी देखिए पनीर टिक्का मसाला हो गया है बिल्कुल हमारा बनके रेडी, और अभी हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ या रोटी के साथ। तो मैं नान तो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी पूरी फुल डाइट पर हैं, वो जिम जा रहे हैं, तो अभी नान वगैरह ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड करी हुई हैं। मैं इनको सर्व करूँगी रोटी के साथ, और ग्रेवी का टेक्स्चर देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है, जैसे हम रेस्टोरेंट होटल में ऑर्डर करते हैं बिल्कुल सेम वैसी ग्रेवी, वैसा ही हमारा पनीर टिक्का बना है। तो देखिए देखने में कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बस फटाफट बनाते हैं रोटियां और इन्जॉय करते हैं रोटियों के साथ ये पनीर टिक्का मसाला। तो देखिए अभी प्लेट लग चुकी है, प्लेट में है पनीर टिक्का मसाला, रोटी, सैलेड और साथ में है दही। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ, इन्जॉय कीजिए डिलीशियस लंच।
तो अभी लंच वगैरह हो चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई से घी निकालने की एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। तो इसके लिए कुकर में मैंने डाला है आधे ग्लास के करीब पानी और ये है मेरे पास में 15 से 20 दिन की मलाई जो कि एक बड़ा सा बोल पूरा भर के है। तो इस पानी में हम डाल देंगे इस मलाई को। वैसे तो मैं मलाई से घी 2 से 3 तरीके से निकालती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला तरीका ट्राई किया जाए और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं इसके, कितना घी निकलता है और कितना टाइम लगता है। तो अभी देखिए सारी मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हमें तेज कर देना है और मलाई को हमें अच्छे से मेल्ट होने तक का वेट करना है। आप लोगों में से किस किस ने ये तरीका पहले ट्राई किया है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए भी जो मलाई है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अभी हम कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और इसमें लगाएंगे 1 सीटी। तो देखिए अभी 1 सीटी हो चुकी है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका जो प्रेशर है वो पूरा आप ऑटोमेटिक खुद से निकलने देना। और जैसे ही प्रेशर निकल जाता है अभी हम कुकर ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए जितना घी है ये सारा का सारा ऊपर आ चुका है, क्योंकि मेरे यहाँ आता है गाय का दूध, इस वजह से ये जो आपको घी दिख रहा है ये येलो दिख रहा है। अगर जिनके यहाँ भैंस का आता है या नॉर्मल आप यूज़ करते हैं तो उस केस में हो सकता है कि ये वाइट आपको दिखे। तो अभी देखिए जो मलाई है वो हमारी फट गई है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आता है। इससे क्या होगा कि जो मलाई है वो अच्छे से फट जाएगी, जो घी है वो बहुत ही जल्दी निकल आएगा। तो एक ट्रिक है कि जब भी आप कुकर में इस तरीके से बनाए थोड़ा सा मीठा सोडा आप ऐड कर दें, उससे जो घी बनने का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए अभी अच्छे से फट गया था और ये आप देख सकते हैं कि मलाई से घी निकलना भी शुरू हो चुका है, जो घी है वो हमारा बिल्कुल अलग हो गया है। तो अभी हम इसे पका लेंगे ताकि घी हमारा कच्चा नहीं रहे। और अभी देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अभी ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हम इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी चैनल पे न्यू है, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अभी मैंने इसका जो घी है वो मैंने इसको छान लिया है। अब स्पून की हेल्प से इसको हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे, थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि जो बचा हुआ घी है वो भी सारा निकल जाए। अभी कुकर में और भी है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके हम इस तरीके से सारे घी को हम लेंगे। और कलर देखिए घी का कितना अच्छा आया है, बिल्कुल येलो कलर है और इस कलर का घी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए ये मेरे पास में है शेजवान वाली बॉटल, तो ये पूरा भर के इतना घी निकला हुआ है, थोड़ा सा ही कम है। तो फ्रेंड्स फिर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। और फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक आप भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे जरूर से ज़रूर लगाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।